देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सांसदों के निलंबन के विरोध में शहर के कांग्रेसी भी उतर आए। कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। राजधानी देहरादून में होने वाले विरोध प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने कुछ भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष राकेश मियां और जयंत रमोला ने मौके पर कहा कि केंद्र सरकार संसद की सुरक्षा सवाल पर जवाब देने से डर रही है। जो सांसद सवाल करते हैं उनको निलंबित कर रही है, और जिस सांसद ने संसद में घुसे लोगों को पास दिया उससे सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो कि सरासर गलत है। इसलिए तानाशाही के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में शहर के कांग्रेसी राजभवन का घेराव कर अपना विरोध दर्ज कराते भी नजर आए। पौड़ी जिले में 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के समीप आक्रोश व्यक्त किया और केंद्र सरकार का पुतला दहन करते हुए नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि चुने गए सदस्य लोगों की भावनाओं को संसद में बताकर कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। सुरक्षा लंघन को लेकर जिम्मेदारी तय करने के सवाल पर जवाब देने की बजाय विपक्ष को नहीं बोलने देना और संसद से 146 सांसदों के निलंबन की कार्रवाई जैसे फैसले सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। इस मौके पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष विनोद नेगी, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग श्रीकांत, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित सिंह, प्रदेश महासचिव राजेश नेगी, तमाम लोग मौजूद नजर आए। आपने देखा होगा कि आज हमारा जो है प्रदेश स्तर पर सभी जिलों में जो है विरोध प्रदर्शन था सरकार के खिलाफ, और उस विरोध प्रदर्शन का जो मुख्य कारण था वो ये था कि कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा कि लोकसभा में जो सुरक्षा में जो चूक हुई है, लोकसभा संसद भवन जिसको कि जो है एक देश की हम लोग जो है एक गरिमामय स्थल समझ सकते हैं, तो उस स्थल पर जो है सुरक्षा कारणों से चूक हुई, और उस चूक होने पर जो हमारे माननीय लोग थे, चाहे लोकसभा में जो हमारे सांसदगण हैं, राज्यसभा में सांसदगण हैं, तो उन लोगों ने यही प्रश्न जो है वहाँ पर उठाए थे कि भाई आखिर ये चूक किस कारण से हुई और इसके पीछे की वजह क्या है। है पौराणिक मान्यताओं के आधार पर पांडव जो महाभारत युद्ध के बाद अपने कुल पंडितों बड़े बुजुर्गों के हत्या के पाप से निजात पाने के लिए स्वर्ग को जा रहे थे, तो रुपयाग जिले के दारखंड होते हुए गए थे। तब से जनपद के विभिन्न गांवों में पांडव नृत्य आयोजन किए जाते हैं। जनपद रुपया के विकास खंड जखोली के ग्राम धारकोट में भी आजकल पांडव नृत्य चल रहा है। वहीं सोमवार को धारकोट गांव में भव्य चक्रव्यूह का आयोजन किया गया, जिसमें पांडव सेना और कौरव सेना के बीच युद्ध हुआ और अभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह का भेदन किया गया। इस दौरान विधायक भरत सिंह चौधरी, ब्लॉक प्रमुख प्रदीप थपलियाल ने पांडवों के धर्म युद्ध पर प्रकाश डालते हुए जनता से पांडवों की धर्म नीति पर चलने का आह्वान किया। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर आयोजित वेद विज्ञान और सांस्कृतिक महाकुंभ के 3 दिवसीय कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति से लेकर केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल शिरकत करेंगे। पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में महर्षि दयानंद सरस्वती की 20वीं जयंती पर आयोजित वेद विज्ञान और सांस्कृतिक महाकुंभ का 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को इस महाकुंभ के उद्घाटन के अवसर पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य राज्य के राज्यपाल, उपराज्यपाल और वीआईपी शिरकत करेंगे। कि जो महामहिम आ रहे हैं उनको सुरक्षा के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से सब सर्वोच्च प्रोटोकॉल में आते हैं, तो लिहाजा इसलिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने 4 IPS अफसर लगाए हैं यहाँ, साथ ही 11 एडिशनल SP और CO लगाए हैं, 6 कंपनी PAC लगी है, साथ ही बहुत बड़ी संख्या में हमारे आर्मेड और सिविल पुलिस के जवान लगे हैं, करीब जिसकी संख्या 1500 के आसपास है। इसी तरह से लगातार हमारे बम डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा चेकिंग की जा रही है कार्यक्रम स्थल की, ताकि किसी तरह की कोई अनटूवर्ड घटनाएं न हो, इसलिए BDS की टीम लगातार मूवमेंट पर है। सहारनपुर के देवबंद पहुंचे कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान यात्रा की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ की राजनीति कर जनता को गुमराह कर रही है। आम चुनाव में जनता भाजपा को जवाब देने का काम करेगी। देवबंद पहुंचने पर यूपी जोड़ो यात्रा का भायला रोड पर असगरिया मदरसे के पास कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद यात्रा नगर में विभिन्न स्थानों पर होती हुई दारुल उलूम क्षेत्र में पहुंची, जहां पर मस्जिद रशीद के निकट वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सासदकी के आवास पर स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। परेशान है व्यापारी, किसान, मजदूर, महिलाएं, सबके साथ अत्याचार ये लोग कर रहे हैं, नौजवान के साथ अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं का जो उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति है उसको विधानसभा का टिकट देके विधायक बनाते हैं,
जो सजा होती है तो कहते नहीं इससे मेरा कोई लेना लेना लादना नहीं है, कानून ने अपना काम किया। जब मालूम है कि पास को एक लगा है वो बलात्कारी है तो उसको टिकट क्यों दिया? बेटी बताओ बेटी पढ़ाओ की झूठी बातें कर आप महिलाओं का अपमान करते हो और जो बलात्कारी है उसका सम्मान देते हो। ये सारी चीज जुड़ रही है और आम जनता का समर्थन आप लोगों का सहयोग हमको मिल रहा है। झांसी में उत्तर प्रदेश पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन के नेतृत्व में ग्रास लैंड के कर्मचारी लाइट चौराहे पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा के नीचे धरने पर केंद्रीय मंत्री का आरोप है कि इन मजदूरों को लगभग 10 महीने से वेतन नहीं मिला है जिसकी वजह से उनके परिवार भुखमरी की कगार पर है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इन कर्मचारियों को वेतन और न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो इसी तरीके से इनके साथ धरने पर बैठे रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ धरने में कांग्रेसियों के अलावा भारी संख्या में ग्रास लैंड के मजदूर नजर आए। ये मेहनत कश लोग जिनसे झांसी का नाम है, जो 5 किलो सरकार का राशन नहीं चाहे थे, जो मुफ्त में खैरात नहीं चाहे थे, कोई भीख नहीं चाहे थे, लेकिन 6 महीने काम करने के बाद अपने हक को चाहते हैं, अपने हक अधिकार और वेतन के लिए ये लोग महीनों से परेशान है। आज 6 महीने हो गए, 2 महीने तो 2019 के हैं और 4 महीने अभी 2023 के हैं। ऐसे में 6 महीने, महीने में 30 दिन इनसे काम कराया जाता, 20-22 दिन का पैसा दिया जाता। सांसदों के निलंबन के विरोध में शुक्रवार को हरदोई में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से सपा और कांग्रेस ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपे हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशीष सिंह के नेतृत्व में सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव वीरी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। बाराबंकी जिले के जैदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अब्दुल्लापुर गांव में संत आशीर्वाद राइस मिल के संचालक देशराज वर्मा द्वारा एक दिवसीय सुखद प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके तहत श्रद्धालुओं ने जैदपुर स्थित थाना चौराहे पर राष्ट्रीय संत संघदेव जी का भव्य स्वागत किया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर राष्ट्रीय संत असंघदेव जी के मुखारविंद से सुखद प्रवचन का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। लखीमपुर के ढकरेवा चौराहे के पड़वा मार्ग पर 1 महीने पहले महंत पप्पे किन्नर के आवास पर करीब करीब 6 लाख की चोरी हुई थी और 20 लाख की कीमत के सोने चांदी के आभूषण की चोरी हुई। खुलासा न होने से नाराज किन्नरों ने गुरुवार दोपहर मुख्य चौराहे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित किन्नरों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के जमकर नारे भी लगाए। इस दौरान करीब 1 घंटे तक चौराहे पर आवागमन बाधित रहा। एसओ हरिकेश राय के द्वारा 15 दिन के अंदर चोरी का खुलासा करने के आश्वासन के बाद किन्नर शांत हुए। गोरखपुर में सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। स्कूली बच्चों को लेकर स्कूल जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई जिसमें कुल 15 बच्चे घायल हुए जिनमें से 2 की मौत हो गई। बस ड्राइवर मौके से फरार है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एकेडमी नामक स्कूल है यहाँ सिकरीगंज में और यहाँ पे आज सुबह लगभग 9 से 9:30 के बीच में एक जिसमें स्कूली बच्चे आ रहे थे बस संख्या 17, वो स्कूल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर जो बराबर में सड़क के किनारे खाई है उसमें पलट जाने से हादसा हुआ है और इस हादसे में जो भी बच्चे घायल हुए थे इंजर्ड थे उनको तत्काल पुलिस प्रशासन और पब्लिक के सहयोग से तत्काल निकटवर्ती अस्पतालों में पहुंचाया गया और इसमें जो मामूली चोट लगी थी जिनको हल्की फुल्की चोटें थी उनको तत्काल जो उनके गार्जियन थे उनके सुपुर्द कर दिया गया था। बांदा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। सांसदों के अलोकतांत्रिक धरने से निलंबन के विरोध में सपा का प्रदेश व्यापी एक दिवसीय प्रदर्शन रहा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए सपा ने प्रदर्शन का आह्वान किया। सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। मुख्यालय के अशोक लाल चौराहे पर 10 बजे से 2 बजे तक प्रदर्शन रहा। सत्ता में काबिज सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। वहीं बदायूं में समाजवादी पार्टी के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन गांधीनगर से सपा कार्यालय पर आयोजित हुआ। इस दौरान पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने 146 सांसदों के निष्कासन को देश के संसदीय इतिहास की दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। कासगंज पुलिस ने राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष को देह व्यापार कराते गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष अपनी ही आवास पर देह व्यापार करा रही थी। पुलिस ने 2 युवकों, 4 महिलाओं सहित 6 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष सहित 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। मौके से 44,000 रुपये की नकदी, 5 मोबाइल फोन, 3 पैकेट कंडोम और बियर की खाली बोतल सिगरेट बरामद की। बिजनौर में जम्मू से कलकत्ता जा रही हिमगिरी ट्रेन के पहिए का ब्रेक जाम होने से ट्रेन के पहिए में तेज धुआं उठने से आग लग गई। ट्रेन में यात्रा कर रहे
यहाँ पर जमकर बवाल काटा। आपको बता दें कि जम्मू से हावड़ा जा रही हिमगिरी के S5 कोच के नीचे पहिए में ब्रेक जाम लगने से आग लगी। रेलवे फाटक के गेटमैन ने नगीना स्टेशन मास्टर को सत्यवीर सिंह को जानकारी दी, जिस पर ट्रेन को मठेरी फाटक पर रोका और आग को बुझाया गया। तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। पति पत्नी के मामूली विवाद में पत्नी ने बड़ा कदम उठाया, डीजल छिड़क कर खुद को आग लगा दी। बच्चों को समय से स्कूल भेजने की बात पर पति पत्नी का झगड़ा हुआ था। पति के काम पर जाने के बाद पत्नी ने खुद को आग लगाई। सूचना पर पहुंचे पति ने आनन-फानन में CHC में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सोसाशी राजकीय चिकित्सालय महाविद्यालय संबंध चिकित्सालय पीलीभीत में महिला का उपचार जारी है। हालत स्थिर, थाना बरखेड़ा इलाके के गंगापुरी गाँव का ही पूरा मामला है। गौंडा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में साइकिल सवार और कार चालक सहित 3 की मौत हो गई। साइकिल सवार को रौंदते हुए पेड़ से टकराई कार में बैठे 6 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कासगंज में पुलिस और एसएसजी की टीम ने सर्विलांस टीम की मदद से राष्ट्रीय लोकदल की जिलाध्यक्ष आसमा वारसी के घर पर चल रहे देवपार का खुलासा किया। पुलिस ने खुलासा करते हुए राष्ट्रीय लोकदल की महिला जिलाध्यक्ष सहित 6 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के कब्जे से आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ 5 मोबाइल फोन, 44,000 की नकदी बरामद की है। कासगंज की सर्विलांस टीम को गोपनीय रूप से यह सूचना मिली कि अहिरौली क्षेत्र में कुछ व्यक्ति अवैध कार्यों में लिप्त है। इस सूचना पर सर्विलांस स्वाट टीम कोतवाली कासगंज एवं महिला थाना प्रभारी की संयुक्त टीम के द्वारा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एक घर में दबिश दी गई, जहां 4 महिलाओं एवं 2 पुरुषों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया। साथ ही वहां से 44,000 रुपये, बियर की 4 खाली कैन एवं 5 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इनकी मोबाइल की छानबीन करने पर कुछ आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियोज भी मिले हैं। घटना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। सभी अभियुक्तों को विधिक कार्रवाई के पश्चात माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है, अन्य कार्रवाइयां प्रचलित। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।